हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम चिकन बटरफ्लाई। क्या बटरफ्लाई? क्या ये स्टार्टर होता है एक आपके इफ्तारी के लिए बहुत मजेदार डिश है, यानी कि इफ्तार स्पेशल। हाँ, बटरफ्लाई चिकन। लेकिन हाँ, हम ये डिश को बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं, मतलब बटरफ्लाई चिकन? देखो, चिकन तो चिकन होता है, चिकन फ्राई होता है ना, क्रिस्पी होता है, जो भी होता है, चिकन का टेस्ट चिकन में ही आता है। हाँ, लेकिन बस उसको एक आलू का लुक दे देते हैं, आलू कट करके जो पंखों की तरह लगा देते हैं ना, तो बटरफ्लाई के उसके पंख बन जाते हैं। अच्छा, तो चिकन का नाम रख दिए हैं बटरफ्लाई चिकन, ये होटल वालों ने रखे हैं। तो आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है इफ्तार की वजह से। ठीक है, तो भाई आप लोग ने भी अगर अभी तक नहीं बना के घर में खाया होगा ना, तो अब बना के खाना ये बटरफ्लाई चिकन। हाँ, इफ्तार की जो थाली की रौनक बढ़ जाती है। हाँ, थोड़ा अलग अलग डिजाइन में बनाने से। हाँ, तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज हम बटरफ्लाई चिकन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, आलू, बटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, फूड कलर। यहाँ लगेंगे हमको जीरे की बुक्की, हल्दी की बुक्की, मिर्ची की बुक्की, धनिया की बुक्की और कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन ली हूँ। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच, आधा चम्मच डालूंगी पापा, एक चम्मच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये डालेंगे हम इसमें सोया सॉस। सोया सॉस से ना थोड़ा चिकन फ्राई में ना टेस्ट अच्छा आता है। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच भर के जीरे की बुक्की, आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी की बुक्की, एक चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची और एक चम्मच डालेंगे हम धनिया की बुक्की और तीखी वाली लाल मिर्ची डालेंगे हम पौना चम्मच, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। और ये डालेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। अब डालेंगे इसमें आधे चम्मच से थोड़ा सा कम फूड कलर। अब हम इसमें निचोड़ेंगे नींबू, नींबू भी बहुत महंगे हो गए। हाँ, रमजान आते साथ 10 रुपए का एक नींबू। ये भी 10 रुपए का है क्या? हाँ, रमजान शुरू हुआ ना, तो बस 10 रुपए का एक नींबू। अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक तो देखो मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये जो मसाला लगाया तुम चिकन पे मम्मी, हाँ, दूसरा मसाला लगा के भी बना सकते हैं चिकन? हाँ, ये बटरफ्लाई आपको ग्रीन भी बना सकते हैं, आप जाफरानी में भी बना सकते हैं, केसर में, है ना, येलो में, जैसा आपको जो कलर अच्छा लगता है इसमें डाल के आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले मैंने अच्छे से मिला ली हूँ। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, एकदम फुल भर के नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा कम डाली हूँ, क्योंकि 300 ग्राम गोश्त है, अगर पूरा आधा किलो रहता तो भर भर के 2 चम्मच डाल देती, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर भी अच्छे से लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए, ठीक है। इसको आधे घंटे के लिए मैं रख रही हूँ, अगर आप लोगों को बनाना है तो आप दोपहर में ही इसको मसाला लगा के रख देना अफ्तारी तक के, ठीक है। तो चिकन को हमने रख दिए है मसाला लगा के। अब आती है आलू की बारी। तो आलू हमको बटरफ्लाई बनाने के लिए बड़े साइज के चाहिए। छोटे साइज के आलू लेंगे तो उसको गोल काटेंगे तो उसके बटरफ्लाई अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं इसको पहले छील लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से छील ली हूँ। अब हम इसके पीस बना लेंगे। पहला पीस तो हमको यहाँ मोटा मोटा निकालना पड़ेगा, ये इस तरीके का। अब निकालेंगे हम हमारे लाइक का पीस, बटरफ्लाई वाला, ये बटरफ्लाई वाला, ये कुछ इस तरीके से। अगर इसमें पतला होगा मोटा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पकते रहेगा चिकन पके तक, ठीक है ना। पतला होगा तो ज्यादा कुरकुरा हो जाएगा, मोटा होगा तो थोड़ा सा नरम रहेगा।
अगर आपको जैसा चाहिए वैसा आप कट कर सकते हैं। ज्यादा पतला कर देंगे तो फिर वो ज्यादा कुरकुरा कुरकुरा हो जाएगा, एकदम कड़क कड़क हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कट कर ली हूँ सारे पीस। इसको अब क्या करेंगे, हम पानी में डाल देंगे धोने के लिए। इसको दो तीन पानी से नहीं धोना है, इसको यहाँ पर हम एक पानी से धो लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले ली हूँ, इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। दो चम्मच डाल रही हूँ। ये बटरफ्लाई हमारे थोड़े क्रिस्पी बने इसके लिए। अच्छा। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक। इससे क्या होता है ना, आलू भी हमारा जो थोड़ा सा ना नरम हो जाता है, फोल्ड करने में आता है। नमक से आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो वो फोल्ड अच्छे से होता है। अगर इस तरीके से हम पानी में रख के फोल्ड करने जाएंगे तो कभी कभी क्या, आलू बीच में से कटक करके टूट सकता है। यहाँ पे हम नमक में थोड़ा सा भिगा लेंगे ना तो हमारा जो आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। क्या अकड़ खत्म हो जाती है उसकी, अकड़ खत्म। आप लोगों ने मेरी पिछली रेसिपी में भी देखे थे लच्छेदार बॉल, मैंने उसको कॉर्नफ्लावर में भिगा के रखी थी तो वो कितना सारा था। जब उसको भिगा के रखी थी 15-20 मिनट तो वो कितना सा हो गया था, है ना, भिग के। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा ये डाल दूंगी मेरे आलू इसमें। वैसे मैं आलू एकदम कॉमन है ना, बेचारा किसके साथ भी चले जाता है। मैं तो बोलती ना सब्जियों का राजा बोलना चाहिए इसको, हर चीज में मैच कर देता है। चिकन बोलो, मटन बोलो, भाजी बोलो, पुलाव बोलो, चाहे स्नैक बोलो, तुम्हारा कुछ भी बोलो, सब में बेचारा गरीब आलू सब में मिल जाता है। अब इसको मैं इसी तरीके से 5 मिनट रहने दूंगी। तो चलो 5 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू की अकड़ निकल गई बोलता रियाज। हाँ बेचारा। बेचारा जो चाहे वो इस्तेमाल करता है, बोलता मेरे आलू को। सब फायदा उठाते ना रियाज। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छे से सेट हो गया है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे एक एक बोटी और यहाँ से लेंगे हम एक एक, इसको उल्टे हाथ पे रखेंगे, इसको सीधे हाथ पे। हाँ अब ये ले लिए, इसको रखेंगे बीच में और यहाँ पे हमारी ये टुप्पी। मतलब खाना खाने और जिसके मुंह में चिकन फंस गया तो निकाल भी लो। ये कुछ इस तरीके से ये रखते जाएंगे, है ना, और बनाते जाएंगे। मतलब ये रेसिपी बनाते बनाते कैसा टाइम जाएगा रोजे का पता भी नहीं चलेगा हमें ना। इंशाल्लाह ऐसी टाइम पास हो रही रेसिपी है ये। टाइम पर क्या बोला, क्या बोला, टाइम पास वाली रेसिपी है। मतलब पूरा रोजा मालूम नहीं पड़ेगा ना, पकाते रहो। कुछ भी बोलता है। तो मैं भी इसी तरीके से सारे चिकन लगा लूंगी। चिकन की बोटी थोड़ी सी मैंने बड़ी ली हूँ क्योंकि ये पकने के बाद तो थोड़ी छोटी हो ही जाती है, और एकदम छोटी बोटी लेंगे तो फिर खाने में मजा नहीं आएगा ना। वन बाइट है ये, कोई भी उठाएगा तो क्या उम्मीद थी छोटी सी बनाए। तो यहाँ पर मेरे सारे बटरफ्लाई रेडी हो गए हैं, खाने के लिए नहीं पकाने के लिए। लेकिन एक भी उड़ नहीं रहा है, क्या मतलब। पेट में उड़ेगा ना तू खा, फिर बताना उड़ता क्या नहीं। यहाँ पे हमने तेल चढ़ा दिए थे, तेल भी हो गया हमारा गरम। अब हम एक एक बटरफ्लाई इसमें डालते जाएंगे और पकाते जाएंगे। क्या मेला बना रहे सबको, एक एक बटरफ्लाई उठाए के और डालते। देखो हंस रहा है और खुद ही बोला है बनाने, खुद को ही खाने का था। ऐसा नहीं करने का, चीटिंग होती है ये बटरफ्लाई। लेकिन ये चीटिंग होती है ना, क्योंकि बनाने तू ही लग रहा है और तू ही अभी बोल रहा है। अरे मैं तुम्हारा डायलॉग सुन के हंसा, एक एक हमारे बटरफ्लाई अटैक। देख रहे कैसे मस्ती करता है। तो यहाँ पे मेरे जो फ्राई पैन में जितने आ रहे हैं मैं उतने डाल दूंगी। क्या मैं बटरफ्लाई हंसरा देखो ना कैसा। जितना भी आ जाए उतना डाल लेना। और यहाँ पे आलू के साथ साथ हमारा चिकन भी पकते रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। अब बोलना तुमने नाम आलू चिकन। नाम मारूंगी। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने
इसको पलटी कर दी हूँ ताकि हमारा चिकन अंदर से अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको सारे पलटी कर ली हूँ। अब हमारा आलू भी पकते रहेगा और चिकन भी पकते रहेगा। बस आरिया यानी कि बटरफ्लाई, आप बोला खुद। देखो होटल वाले क्या क्या नाम दे देते ना एक एक डिश को। हाँ ये होटलों में बहुत चलती है, लेकिन अभी क्या रमजान के मारे ना हमारे मालूनी में बहुत जोर पकड़े लाई है। हाँ। बटरफ्लाई का। तो मैं ली चलो अफ्तार की रौनक ही बढ़ेगी ना, अच्छी बात है। दाल देते हैं, देखो बहुत से लोग बनाते हैं, अब जिसको नहीं मालूम है वो भी बनाने लगो मेरा वीडियो देख के, है कि नहीं। थोड़ी सी अलग डिश बनेगी ना अफ्तार में, और थाली सजी हुई तो बड़ी अच्छी लगती है अफ्तार की। तो यहाँ पे हमारे बटरफ्लाई तैयार हो गए हैं पक्के। पक गया होगा ना चिकन उकन सब? साफ साफ साफ, टेंशन ही नहीं। अभी कौन कौन सा चिकन में हमें अलग अलग टेस्ट दे सकते हैं? बहुत सारे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, बहुत सारे। ये बटरफ्लाई के लिए पूछ रहा है। हाँ, ग्रीन बना सकते हैं, मलाई वाले चिकन के बना सकते हैं आप आराम से, जो केसर केसर वाला चिकन बनाते हैं ना, रेशमी चिकन, रेशमी चिकन बोलते हैं जिसको, वो भी बना सकते हैं इस तरीके से। खाली तरीका तो है, बाकी तो आप जो चिकन चाहे बना सकते हैं। और खाते टाइम में कांटी ध्यान से देखना, वो तो दिख जाएगी रे, वो तो अंधे को भी दिखेगी। तो इसको हम निकाल लेंगे हमारे एक पेपर पे, एकदम जूसी जूसी बने हुए हैं, मस्त ही है। ओए होए, तो ये रहा बटरफ्लाई। अभी तो आज तो मजा आ जाएगा रोजा खुलने के लिए, है ना? हाँ, वैसे तो रोज ही आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बटरफ्लाई तड़प रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा उसको। बटरफ्लाई तड़प रहा है, बेकार है ना तू। अच्छा इसका तेल निकल जाए, तेल का बड़ा इसका है, तेल आ गया ना चिड़पिड़ चिड़पिड़ करता है, इसके तेल अच्छे से निकालना पड़ता है इसकी वजह से, मेरे वजह से। हाँ फिर नहीं तो क्या, फिर बोलेगा तेल आ गया तेल आ गया। उठा के दे दूँ एक बटरफ्लाई? किसको दे दूँ? उठा के तो दिखाओ। दिखाऊं? मस्त, ये रहा बटरफ्लाई। हाँ है ना, अब इसी तरीके से मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगी। यहाँ पे मैंने दो कांडी जिसमें लगाई हूँ वो जरा बोटी है ना, बड़ी बड़ी है, मोटी मोटी। तो बड़ी अगर आपकी बोटी रही, अगर आपको बटरफ्लाई बड़ी रखना है तो आप दो कांडी लगा सकते हैं। देखिए ये था जुगाड़। हाँ, जिसमें बोटी छोटी सी है उसमें एक काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी सारी बटरफ्लाई रेडी हो गई है। हो गई रेडी, अभी भी बाकी है कुछ? नहीं नहीं नहीं, अभी इसके अंदर हमको हमारा सॉस बना के डालना है। मस्त लग रहा है एकदम। हाँ, अभी रेडी नहीं है, अभी इसके अंदर मैं अभी बटर और लेमन सॉस बना के डालने वाली हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बटर लेमन सॉस। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 से 3 चम्मच बटर। इसको हमको पकाना नहीं है, सिर्फ पिघलना है, ठीक है ना? अच्छा बटर फ्लाई है इसके लिए बटर। हाँ अच्छा लगता है, ये डालेंगे ना चिकन पे टेस्ट अच्छा आता है इसका। इसको थोड़ा सा पिघल लेंगे। तो यहाँ पे बटर अच्छे से पिघल ली हूँ मैंने, गैस बंद कर दी हूँ, हमको इसको गर्म नहीं करना है। हम डालेंगे भी एक ये बॉल में। अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पे एक नींबू का जूस ली हूँ मैंने, ठीक है, ये भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिरी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बटर में भी नमक था इसके लिए हम हल्का सा नमक डाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक चम्मच की मदद से ये डाल देंगे इस पे। अरे बाप रे, हाँ ये बहुत मज़े का लगेगा, आप लोग ज़रूर से ट्राई करना ऐसा। बटरफ्लाई में तो तुम जान डाल दिया मैं। हाँ अब संभालना, ये उड़ ना जाए। अब उड़ेगा ये पेट में जाके, हाथ नहीं रुकेगा इंसान का अफ्तार में अगर बनाएंगे तो। ओहो ये सॉस से इसमें डबल जान आ जाती है। तो यहाँ पर रेडी हो गया हमारा चिकन बटरफ्लाई,
एकदम मस्त। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना बटरफ्लाई, देखो वो भी एकदम जूसी जूसी उड़ रहा है, दिख रहा है। हाँ मैं खुद बोलने वाला था, ये अम्मी ने ना इसको एकदम जूसी बटरफ्लाई बना दिया, देख रहे। आहा, क्या बताऊं मैं, एकदम नरम नरम बोटी, एकदम गलेली। हाँ मत बोलो मैं, एकदम देख रहे आप लोग। और इसका जो जूसी पन अम्मी ने बढ़ा है ना, वो ना पूरा जानदार, रोजा लग गया मुझे। सही में आप लोग भी अगर कोई स्टार्टर बना रहे हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है चटनी वगैरह, तो आप ये सॉस बना के इस पे, सही में ये कुछ नया और यूनिक हो गया ये बटर। चटनी वटनी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज चटनी से ही खाया जाए, ऐसा सॉस वगैरह भी डाल के मस्त रोजा अफ्तार। वैसे ये जो कांडी वाली जितनी भी रेसिपी है ना, ये थोड़े देर के बाद ना सूख जाती है, थोड़ी कड़क हार्ड हो जाती है खाने में। ये बटरफ्लाई भी वैसे ही होता था, है कि नहीं, लेकिन अम्मी ने इसको सॉफ्ट रखे है, जूसी बना दिए है, टेस्ट कुछ अलग और मजेदार आया। एकदम कड़क हो जाता ना तो फिर मजा नहीं आता, फिर मेरे बच्चे ना कड़क हो जाता तो नहीं खाते ज्यादा था, इसके लिए मैंने इसको जूसी करके रख दी। अब ये रोजा खोले तक भी ये इसी तरीके से रहेगा नरम, तो आप लोग भी शौक से खाएंगे। आप लोग भी ये जो अम्मी ने जूस बनाया ना, वो आप लोग भी आने वाली डिश में बना सकते हो, आप सीख पे भी ये जूस बना के डाल सकते हैं। सीख बनाए, अगर सीख आपका ड्राई लग रहा है, बोलते से रखा है, आप उसके ऊपर भी ये डाल सकते हैं बना के आराम से, बहुत मजे का लगेगा। तो भाई कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं और क्या बोलो, मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्या बोलो, खाने नहीं मिल रहा है तो बात क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। देखो अभी मैं ये बोल रही हूँ, इसमें मैंने जो बनाई हूँ ना, इसमें मैंने अपना जो फूड कलर डाली हूँ जर्दे का, आप लोग इसको ग्रीन कलर में भी बना सकते हैं, अलग अलग रेशमी चिकन में भी बना सकते हैं, बहुत सारे इससे बना सकते हैं। इस पे आप डबल आलू का कोट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने सिंगल आलू का बटरफ्लाई दोनों साइड से भी पैक कर सकते हैं पूरा गोल। हाँ आप एक आलू इस तरीके से जैसा हमने लिए है, इसके ऊपर एक आलू लेके वापस से दूसरी दालचीनी डाल के वैसा भी बना सकते हैं, या फिर आप लंबी कांडी लेके तीन चार बटरफ्लाई एक साथ एक कांडी में भी बना सकते हैं। सिर्फ मसाले वही रखना जो मैंने रखी हूँ, ठीक है, मैंने ना इसमें दही यूज करी हूँ, ना ही और कोई चीज यूज करी हूँ, सिर्फ दो चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करी हूँ, बाकी हमारे जो मिर्ची मसाले रेगुलर के होते हैं वही है ना, बाकी इसमें कुछ और ऐड तो है नहीं, लेकिन ये कितनी शान बढ़ाएगा हमारी इस्तार की। सही बात है, सबके हाथ ये प्लेट में ही जाएगी आज, मुझे पता है। और हाँ, जो कल हमने रेसिपी बनाई थी फर्स्ट रोजे में, वो कौन सी थी, आलू की लच्छेदार, सही में मजा आ गया था। देखो ये डिश की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन वो डिश की मैं बात कर सकता हूँ, कल खाया रोजे में मस्त बैठ, उसकी जो चटनी थी ना भाई, सही में मैंने कल केचप नहीं खाया, नहीं तो हर इफ्तार में ना हर हर डिश के लिए, यानी कि भजिए हो या चिकन का आइटम है कुछ भी, मैं ना केचप में डिप करके खाता हूँ, लेकिन कल मुझे ना केचप नहीं लगा, वो चटनी इतनी मस्त थी, आज भी निकाल के रख देना, मैं वही खाऊंगा, बस मजा आ गया था चटनी खाके। तो भाई आप वो चटनी भी अपने घर पे जरूर बना, वो चटनी ना पूरा महीना भर के स्टोर कर सकते हैं आप, पहले रोजे से बना के रख दो, तीसवें रोजे तक चलती है, वो खराब नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से भी आप सॉस भी बना के आप रख सकते हैं, जैसा मैंने लेमन सॉस बनाई हूँ ना, आप ये सॉस भी बना के रख सकते हैं कांच की बोतल में, फिर उसको हिला के आप पोर कर सकते हो, मजा आ जाएगा खा के। चिकन मटन की डिश पे आप वो डालेंगे, ये मैं देख रहा हूँ एकदम मेरी आंखों के करीब से, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये खाऊंगा ना तो कितनी मजा आएगा, तो वो फील मैं ले पा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने घर पे बना के जरूर खाना, क्योंकि ये अलग और यूनिक रेसिपी है और झटपट फटाफट बनने वालों में से है। चिकन के साथ आलू का भी मजा, हाँ है ना, बेचारा आलू सबके साथ चला जाता है, वेज में भी ले लेते हैं, चिकन में भी ले लेते हैं, कोई कोई तो बिरयानी में भी ले लेते हैं। ना मिलनसार घर का परिवार है ना, सदस्य सबको जोड़ के रखता है, आदत कैसी हो तो आलू जैसी, आलू जैसी, जिधर जाए उधर घुल मिल जाए पानी की तरह। तो चलते हैं। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक के सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आप करोगे सब्सक्राइब, भाई रमजान चल रहा है थोड़ा तो सब्सक्राइब करो, 2 मिलियन तक तो पहुंचाओ। हाँ सही बात है ना, थोड़ी ईदी मिल जाएगी रमजान की। और जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। इंस्टा पे आने के लिए टाइम नहीं है भैया, अभी बिजी है जरा, थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं सच में। चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़।
चलो अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। रमजान मुबारक।